हिंदुओं के साथ जाति हो रही है मेवात में, इसमें कोई शक नहीं है जी। लेकिन क्या करें जी, सरकार लाचार है, पता ना मन से कर रही है या हमें मरवाने के लिए छोड़ रखा है यहाँ। या तो बोल दे कि भाई यहाँ से चले जाओ, प्रशासन नहीं आया और यहाँ हम मरते रहे, हम अपने अपनी जान। आपका क्या नाम है? सतीश कुमार है जी। अपनी जान बचाकर यहाँ से भागे, एक मिनट का टाइम मिला बस यहाँ से भागो। यहाँ कोई यात्रा नहीं आई थी, यहाँ तो दंगाइयों ने इतना उपद्रव मचाया कि एक भी मतलब मुसलमान की दुकान को टारगेट नहीं किया। यहाँ चुन चुन के हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया। यहाँ 30 दुकानें हिंदुओं की थी, 30 की 30, एक एक जैसे 10 दुकानों के बीच में एक हिंदू की दुकान है, वही चिन्हित की है सारे। मतलब यहाँ तो पूरा इतना वो है, डरे हुए हैं सारे। प्रशासन का कोई हमारे यहाँ सुविधा नहीं, इतना दंगा हो रहा था 12 घंटे तक, कोई पुलिस फोर्स का कोई भी वो नहीं मिला यहाँ पे। अगर बिट्टू बजरंगी ने कुछ कहा तो नूह तक ही रहती ना, यहाँ बड़गली ने क्या बिगड़ा था? नूह से पीछे पीछे जो था वही था, यहाँ तो यात्रा तो आई भी नहीं थी। यहाँ क्यों किया गया ये उपद्रव? यहाँ बहुत दिक्कत है जी, हमें जाना पड़ेगा, पलायन तो करना पड़ेगा हमें यहाँ से। या तो सरकार ऐसे करे, सरकार या तो हमें मरवा दे यहाँ, या इनको समझा दे तरीके से बिठा के कि भैया या तो रह लो। पलायन करने का पूरा पूरा है, पलायन कर रहे हैं यहाँ से। तो कर लिया गांव ने, अब कुछ यहाँ से पलायन करेंगे डर की वजह से। हिंदुओं की जी 8-10 दुकानें हैं, उन पे अटैक हुआ है। अच्छा, बाकी तो किसी की एक केला भी ना उठाई किसी ने, और हमारी दुकान में एक सुई भी ना छोड़ी। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की ये कंपनियां, तबाही का ये मंज़र यहां से देखें तो नूह 21 किलोमीटर आगे, होडल 40 किलोमीटर और नगीना 1.5 किलोमीटर। ये वो चौक है जो बड़कली चौक कहलाता है, और सबसे ज़्यादा दंगा, सबसे ज़्यादा आगजनी, पथराव, ये तमाम सब हुआ था। पूरी तरह से अगर देखें तो तबाही क्या ये मंज़र है। और उसके बाद क्योंकि जब यहाँ से वो शोभा यात्रा निकलते हुए गई और उसमें वो हंगामा, वो तमाम चीज़ दिखाई दी, दंगा हुआ ज़बरदस्त तरीके से, फिर बाद में यहाँ बुलडोज़र की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ये आप देखें पक्की बनी हुई दुकानें हैं, आगे ये इस तरफ की भी दुकानें थी वो भी बुलडोज हो गई। ये एक मस्जिद है जिसके पास का हिस्सा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, पूरी तरह से ये सब कुछ टूट गया है। यानी प्रशासन ने बुलडोज़र की जो कार्रवाई है वो इस तरफ भी ये तमाम यहाँ पर की है, और अंदर तक भी अगर देखें तो लोगों को मौका तक नहीं दिया कि अपना सामान भी निकाल पाते, ये सब कुछ तोड़ दिया। सन्नाटा पसरा है, कर्फ्यू में ढील है, और इस वक्त में आप देखें तो पूरी तरह से हरियाणा के इस चौक पर, बड़कली चौक कहलाता है ये, इस तरफ भी सामने दोनों साइड पर सब टूट गया है। लोग रुक रुक कर के बस यहाँ जो तबाही का मंज़र है उसको देखने के लिए आ रहे हैं। ये सब टीन शेड्स वगैरह सब तोड़ दिए गए पूरी तरह से। पुलिस की चौकसी है, पैरामिलिट्री फोर्स, हरियाणा पुलिस है, आउटसाइड फोर्स भी बुला रखी है, CRPF के जवान हैं, जगह जगह पर बैठे हैं। और यही बड़कली चौक है, सामने ये चौकी बनी हुई है, गाड़ियों के जले हुए ये निशान या अवशेष आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा इस हिस्से को देखें तो ये मेन चौक है, अभी तक तमाम दुकानें, बाज़ार इधर सब कुछ बंद है पूरी तरह से। इस तरफ का जो हिस्सा है वो भी बंद है। ये बहुत अहम चौराहा है, इस साइन बोर्ड से अगर देखें तो ये होडल 39 किलोमीटर, पुनहाना 20 किलोमीटर, और आगरा कभी इसके अंदर जो दिखाई नहीं पड़ रहा कितना डिस्टेंस है, ये रोड इधर को जाता है। और इसी तरह से इस तरफ ये रास्ता
और दूसरी तरफ जाता हुआ हर तरफ आपको पुलिस के जवान बैठे हुए, पैरामिलिट्री फोर्स के, सीआरपीएफ वगैरह के जवान जगह जगह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इलाके में कुछ हद तक अब नॉर्मल सी लाने की कोशिश है, लेकिन तमाम दुकानें बंद हैं, पूरा बाज़ार बंद है, मार्केट्स बंद हैं, लोगों को अभी भी जमा नहीं होने दिया जा रहा। धारा 144 लगी हुई है। ये बड़कली चौक है जिसको आप देख रहे हैं, ये तमाम सामने का जो पुलिस का स्टाफ है वो मौजूद है 24 घंटे। इस वक्त में पिछले लगातार 7-8 दिन से इसी तरह से तैनाती है। सामने ये चौकी है और ये जो पूरा हिस्सा जला था ये उसका पोर्शन आप लोग अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। तमाम ये बुलडोज किया गया था, इन दुकानों को ये सब नज़र आ रहा है। दिल्ली से जुड़ने वाली जो सड़क है वो भी आगे की तरफ जाती है। मेन चौराहा है बटकली चौक, जिस जगह से मैं आप लोगों को ये लाइव रिपोर्ट कर रहा हूँ। कई जगह पर जहाँ आगजनी हुई, गाड़ियाँ जहाँ पर जली, पथराव जहाँ हुआ, लाठीचार्ज हुआ, गोलियाँ चली और जो कुछ हुआ था वो मेन चौक, ये उस जगह को जो आप देख रहे हैं, जगह की यही वो चौक है जो मेन चौक और गवाह बना था। फिलहाल अमन है, लोग यहाँ घरों से ना निकलें, उसके लिए तमाम तैयारियाँ पुलिस ने पहले ही कर रखी हैं। जो सामने वाला रोड है, पैदल चलने के लिए किसी को भी इजाज़त नहीं है। धारा 144 के तहत लोगों को निकलने के लिए बिल्कुल भीड़ जमा नहीं हो सके, लोग नहीं निकलें। पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जो होता है, यानी जिसको पीए सिस्टम कहते हैं, वो लगातार चल रहा है। अपने अपने घरों पर लोग हैं, दुकानें वगैरह सब बंद हैं। ये पूरा मार्केट एरिया है ये भी सब बंद है। बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर हुई और उसके बाद ये सब कुछ मुनहदिम किया गया, पूरी तरह से ये भी ज़मींदोज किया गया, गिरा दिया गया। क्या नाम है आपका? हरीश जैन। हरीश जैन, हरीश आप आज इससे पहले से जो सिचुएशन थी उसके बारे में ज़रा कुछ बता सकेंगे दर्शकों को? इससे पहले हालात ज़्यादा ख़राब थे, अब कुछ कंट्रोल में हैं, बाज़ार वगैरह भी खोल दिए गए हैं आज से। लेकिन दुकानें अभी भी बंद दिखाई दे रही हैं। बड़कली चौक पे एक भी दुकान नहीं खुली है, नगीना खुल चुका है, बड़कली बंद है। हरीश आपका क्या काम है और आपकी दुकान किस जगह है? मिठाई की शॉप है जी सामने हो रही, जैन मिष्ठान भंडार का नाम। जैन मिष्ठान भंडार जी। कितनी दुकानें हैं जो यहाँ पर गई हैं गैर मुस्लिमों की, हिंदू बरादरान की? हिंदुओं की जी 8-10 दुकानें हैं, उन पे अटैक हुआ है। अच्छा, बाकी तो किसी की एक केला भी ना उठाई किसी ने, और हमारी दुकान में एक सुई भी ना छोड़ी, बताओ। अभी तक प्रशासन जाति हो रही है जी। अच्छा, हिंदुओं के साथ जाति हो रही है, मेरी बात में इसमें कोई शक नहीं है जी, लेकिन क्या करें जी, सरकार लाचार है, पता ना मन से कर रही है या हमें मरवाने के लिए छोड़ रखा है यहाँ, या तो बोल दे कि भाई यहाँ से चले जाओ। प्रशासन नहीं आया और यहाँ हम मरते रहे, हम अपनी जान। आपका क्या नाम है? सतीश कुमार है जी। अपनी जान बचा कर यहाँ से भागे, एक मिनट का टाइम मिला बस यहाँ से भागो, बस भागो। ये इतना उसमें जान बचाते कि माल बचाते, इसलिए जान बचाई। अपनी जान प्यारी थी, माल प्यारा नहीं था, इसलिए हम अपनी जान बचा कर भागे। और जिन्होंने ये काम किया है जी, वो खुले घूम रहे हैं जी, जिन्होंने काम किया है ना वो लोग खुले घूम रहे हैं, कह रहे हैं फिर करेंगे हम, तो उनका काम यही जी, लूटपाट करना, चोरी करना। ये 200 से ऊपर गिरफ्तारियां लगभग हो गई हैं। वो तो ऐसा है जी, कहते हैं ना करने वाले तो कर गए, लेकिन कुछ पकड़े भी गए हैं, कुछ नाम भी आए हैं सामने कि भाई वो भी था, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से होना कुछ नहीं है, दुकानदार बर्बाद हो चुके हैं बस। आप लोगों के कुछ मुआवजे का, किसी का कुछ नहीं जी, एक पैसा नहीं मिलना, सरकार एक पैसा नहीं देगी, सिर्फ घुमा रहे हैं, उस ऑफिस में चले जाओ, उस थाने में चले जाओ, यही हो रहा है जी, और कुछ नहीं है। प्रशासन ने भी सख्ती की हुई है? प्रशासन ने सख्ती कर रखी है जी पूरी। तो आप लोग 31 तारीख से आज कुछ ढील थी? आज आए हैं दुकानों पे, मतलब बैठे हैं, हर दुकानों के बाहर खड़े हैं, बैठे भी क्या है जी, चाबी भी ना लगाई दुकानों में, तो क्या करें लगा के चाबी, जब दुकान में कुछ है ही नहीं तो चाबी लगा के क्या करें। सरकार मुआवजा दे तो कुछ सामान वामान लें। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? मेरा करीब हुआ है जी 8-9 लाख रुपये का। 8-9 लाख रुपये का? रिपोर्ट लिखाई आपने इस बारे में? रिपोर्ट लिखवा दीजिए, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हुआ। इधर और क्या क्या जला है? इधर एक तेल मिल है जी, शिव कुमार आर्य जी की है, उनका बड़ा नुकसान है, बहुत भारी, करीब करीब 2-3 करोड़ से ऊपर का नुकसान है। यात्रा किस तरफ से आ रही थी इधर? यात्रा आ रही थी जी नूह से, नूह जिला से। और हमारा पहुंच गई थी? नहीं जी, एक भी बंदा नहीं आया यहाँ। आपका क्या नाम है? किरोड़ीमल जी। किरोड़ीमल, किरोड़ीमल जी, यात्रा इस तरफ तक आ गई थी क्या? नहीं आई थी जी, नूह थी, तिरंगा पार्क पे, नूह यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे है, यहाँ कोई यात्रा नहीं आई थी। यहाँ तो दंगाइयों ने इतना उपद्रव मचाया कि एक भी मतलब मुसलमान की दुकान को टारगेट नहीं किया, यहाँ चुन
चुन चुन के हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया। यहाँ 30 दुकानें हिंदुओं की थी, 300 की 300, एक एक जैसे 10 दुकानों के बीच में एक हिंदू की दुकान है, वही चिन्हित की है सारे। मतलब यहाँ तो पूरा इतना वो है, डरे हुए हैं सारे। प्रशासन का कोई हमारे यहाँ सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ। अब तो यहाँ से पलायन करने का, जितनी भी दुकानें टूटी हैं, हाँ, पलायन करने का क्या, पलायन करने का पूरा पूरा वो है, पलायन कर रहे हैं यहाँ से। अधिक तो कर लिया गाँव ने, अब कुछ यहाँ से पलायन करेंगे डर की वजह से। क्या करें, डर किस बात का है? डर है, एक बात बताओ, सरकार कोई सुविधा नहीं दे रही, और यहाँ मतलब डेली दंगा फिसाद। यहाँ तो बिल्कुल शांत माहौल था, जबकि यहाँ यात्रा नहीं है, यात्रा 20 किलोमीटर पीछे थी। यहाँ भड़कली ने क्या बिगाड़ा था, जिनका धंधा उजाड़ दिया, दुकानें जला दी गई, उनके पास रह क्या गया, औरतों के साथ झीना झपटी की गई। लोगों का बयान ये आया कि जब बिट्टू बजरंगी ने और मोनू मानेसर ने बयान जारी किया तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि उन लोगों को यहाँ उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, लोगों के अरमान जज्बात उकसाए। इससे पहले भी यहाँ से यात्राएं निकली, हिंदू मुस्लिम भाइयों ने साथ मिलके निकाला, इस बार ही क्या हुआ है? ये तो सर एक बनावटी बात है, कुछ नहीं है। अगर बिट्टू बजरंगी ने कुछ कहा तो नूहू तक ही रहती ना, यहाँ भड़कली ने क्या बिगाड़ा था? नूहू से पीछे पीछे जो था वही था, यहाँ तो यात्रा तो आई भी नहीं थी। यहाँ क्यों किया गया ये उपद्रव? आप लोगों का सवाल यही है, यहाँ क्यों किया गया? जो आबादी है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, हम मुस्लिम की तो 90%, हमारे 10% है। इसलिए यहाँ अगर हिंदू कोई बोलता है उसको दबा दिया जाता है, हमारी आवाज़ को कोई अगर थोड़ा सा कोई बोलता है तो उसको वहीं के वहीं दबा देते हैं। यहाँ दबाव में ही रहना पड़ता है। नाम भी लेते हैं ना कि वो भी था दंगे में, तो पीछे लग जाते हैं 10-20 लोग, तो तूने नाम क्यों ले लिया, ये होता है यार। यहाँ बहुत दिक्कत है जी, हमें जाना पड़ेगा, पलायन तो करना पड़ेगा हमें यहाँ से। मेवा या तो सरकार ऐसे करे, सरकार या तो हमें मरवा दे यहाँ, या इनको समझा दे तरीके से बिठा के कि भैया या तो रह लो आराम से, नहीं तो जाओ। दोनों लोग मिलजुल करके रह सकते हैं, खूब रह रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन चंद लोग आते हैं वो करवा के चले जाते हैं नुकसान। आपको लगता है कि ये जो यहाँ के मुसलमान नहीं थे, बाहर के बुलाए थे? बाहर के लोगों का नाम आप कह रहे हैं ना, चंद लोग आते हैं करके चले जाते हैं, वो बाहर के नहीं, यही के हैं जी। अच्छा, आसपास गांवों से ही हो? आसपास के गांव कहते हैं, और ये लोग कह रहे थे सारे बाहर के आए थे, राजस्थान के नहीं आए थे। राजस्थान के साथ कोई 10-5 आया होगा, नहीं तो ओड पास के सारे गांव थे, चाहे कोई भी हो। और हम तो सरकार से यही विनती करते हैं क्योंकि यहां पर फोर्स कैंप लगाया जाए भड़कली चौक पर। यही अगर सरकार यही नहीं कर पाती है तो उत्तर प्रदेश योगी बाबा के उसमें डाल दिया जाए मेवात को, तो हमको सुरक्षित मिलेगी, नहीं तो यहाँ से जाना पड़ेगा हमको भी। यूपी में डाल दो ना। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि आपका ये एरिया जो है इसको यूपी में डाल दो? बिल्कुल, यहाँ से हम खुश रहेंगे। एक बात बताओ जी, अगर यहाँ से लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग थे, बाहर के अगर बाहर के लोग हैं तो उनको ये क्या पता कि ये उसकी दुकान है, ये इसकी दुकान है? बाहर के लोग तो नहीं जानते कि आपका मतलब है टारगेट कर करके टारगेट किया है, सबको टारगेट किया है। यहीं के बंदे थे, कोई बाहर का बंदा नहीं था, सभी यहीं के थे। उनके साथ तो चाहे 100 लोग 200 लोग बाहर के भी आ जाएं, पर ये है कि अब ये दुकान एक सैनिक की है और ये मोमडन की है, ये दुकान उसको क्या पता बाहर के बंदे को कि सैनिक की है या मतलब मोमडन की दुकान है। तो ये चिन्हित किया करके सब काम प्लानिंग से हुआ है। अभी फिलहाल पटरी पे कैसे लौट सकती है वापस जिंदगी? जी एक महीने तक तो नहीं लौटेगा, कैसे लौटेगी? अभी तो बहुत लंबा समय है नहीं, किसी के पास सब उजड़ गया। या तो सरकार दोषियों को सजा दे, हमें मुआवजा दे, तभी कुछ मतलब वो हो सकता है। नहीं कुछ भी नहीं है, यहाँ से प्लान करेंगे बिल्कुल क्लियर। मुआवजा भी कागजों में रह जाएगा, हाथ देंगे आपको मुआवजा मिलेगा, हाथ देंगे कुछ नहीं है जी, सिर्फ ये लिखवा लाओ वो लिखवा लाओ, अपना खर्चे का ब्यौरा दे दो, एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं, रख लेते हैं ले लेके, उससे आगे अभी तो उम्मीद नहीं है जी, 10 पैसे भी मिल जाने हैं, बाकी देखते हैं सरकार करती है कुछ हमारे लिए, सोचती है नहीं सोचती है। 12 घंटे इतना दंगा हुआ था, 12 घंटे तक कोई पुलिस फोर्स का कोई भी वो नहीं मिला यहाँ पे। इतने में तो अगर चाहते तो यात्रा के टाइम पूरी पुलिस फोर्स रहनी चाहिए थी, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक भी वो नहीं था यहाँ पे, अरेंजमेंट बिल्कुल भी नहीं था, जबकि पहले से पता था कि शोभा यात्रा निकलनी है 31 तारीख को, कोई भी अरेंजमेंट नहीं था। और रात दिन के 2 बजे ये पंगा हुआ था दंगा, और रात के 2 बजे यहाँ फोर्स आई है। इतने में तो क्या क्या हो जाता, यानी 12 घंटे तक ऐसे ही रहा? ऐसे ही रहा यहाँ, कुछ नहीं हो तब तक, सब जलता रहा, टूटता रहा। लोग यहाँ देखने तक नहीं आए डर की वजह से। अब हमारी दुकानें टूट चुकी हैं, अगले दिन देखने के लिए आए हैं, जब मिलिट्री यहाँ फोर्स आ चुकी है तब मतलब अपने घरों से निकले हैं। अब भी रात में डर के रह रहे हैं,
क्योंकि दंगा होने का उसका डर है। बिल्कुल हम तो डरे हुए हैं, यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। कुल मिला के है कि हमारी तो यही हो, प्लान तो हम कर ही रहे हैं, करना पड़ेगा यहाँ। यही हालात रहे ना हमारे साथ, जाति होती रही तो प्लान। सोनू कुमार है मेरा नाम। सोनू कुमार, सोनू, हाँ, क्या आपके यहाँ क्या जला है, क्या हुआ है उस वक्त में, कुछ बता सके तो? देखो ये मेरा पार्ट्स का काम है, बाइक का पार्ट्स का काम है, और मेरे इसमें सफेद पार्ट था लगभग सारे ही, पहले लूटा था शटर तोड़ के, उसके बाद आग लगा दी थी सामान में जी। आप कहाँ थे उस वक्त में जब ये सब दंगा हो रहा था? उस टाइम हम बड़गली चौक पे हालात देखते हो, हम अपने शटर को बंद करके लोग लगा के भाग गए थे, और उसके बाद शटर तोड़ी, उसके बाद लूटा घाणी करी, उसमें आग लगा दी जी। शटर को तोड़ा गया और सामान सब, फिर उसके बाद लूटा गया और आग लगा? हाँ जी, शटर पहले तोड़ा, उसके बाद आग लूटा, उसके बाद आग लगा दी सारी। तो FIR आपकी जॉइंट FIR है या अलग से करवाई आपने? नहीं, मेरी अलग से FIR हुई है जी। मुकदमा नंबर 150 है मेरा, मैंने पता किया है जी। कितना नुकसान आपका है तकरीबन सोनू कुमार? मेरा लगभग जी 18 लाख के करीब नुकसान हुआ जी, जिसमें 4 बाइक थी, बाकी पार्ट्स का काम था, सामान था, लगभग 1,30,000 नगद थे उसमें पैसे। यानी करोड़ों रुपए का इस दंगे के नजर हो गया नुकसान सारा? कई करोड़ों का, करोड़ों का नहीं, कई करोड़ों का नुकसान हुआ सर इसमें जी जी। और जिंदगी अलग डिस्टर्ब हुई है? अगर उस टाइम सर मैं, अगर उस टाइम हादसे में अगर उन लोगों के हाथ पड़ जाता तो शायद मैं आपसे बात नहीं कर पाया, मुझे जला देते उसी के अंदर, उसी के अंदर मुझे जला देते। मैं अपना आपा को बचा के वहाँ से भाग गया था जी, जान बचा के निकला, जान बचा के वहाँ से भाग गया था जी जी।